तो और भाई लोग कैसे हो? तो गाइस अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहें जैसे हम उसे अपडेट करें। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी के नोट 10S के बारे में। तो गाइस यहाँ पे फाइनली नोट 10S है जो हमारे पास आ चुका है, और गाइस बात करेंगे कि इस प्राइस सेगमेंट में आता है कौन सी कंपनी, जो अदर ब्रांड है उनके साथ इसका कंपटीशन होगा, और क्या क्या इसमें कुछ खास है और क्या क्या इसमें खास नहीं है, सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और गाइस कहीं मत जाना क्योंकि भाई आपका भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल चार चार गिव अवे इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या है। और भाई वीवो V21 की जो हमने 5G की वीडियो निकाली थी उसका जो रिजल्ट है वो भी हम आज इवनिंग तक डिक्लेयर कर देंगे इंस्टाग्राम के। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आज 4 से 5 बजे के बीच में हम लाइव आएंगे, तो वो जो लाइव सेशन है वो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे लाइव आपको जो है हमारा वीवो V21 का जो विनर है वो अनाउंस करेंगे हम। सो व्हाट्सअप गाइज, माई न्यू एंड यू आर वॉचिंग टिकटक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस फोन में आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे गाइज फ़ोन मैंने ओपन कर दिया है और ये आपका नोट 10S है, एक बार साइड में रख देते हैं और उसके बाद नीचे देखते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो गाइज आपको यहाँ पे बॉक्स में आपको मिलता है डाटा केबल और अडॉप्टर, आप लोग देख सकते हो। ईयरफोन रेडमी ऑलवेज की तरह नहीं देता जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार इसे ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो गाइज यहाँ पे आपको मिलता है एक सिलिकॉन केस कवर, ट्रांसपेरेंट में आप लोग देख सकते हो, सॉफ्ट सिलिकॉन केस कवर है। उसके साथ में आपको यहाँ मिल जाती है सिम जैक टूल पिन, देख सकते हो वो भी, और इस साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है गाइज एक 33 वोल्ट को सपोर्ट करने वाला एक फास्ट चार्जर मिल जाता है आपको यहाँ पे। और वहीं बात करते हैं, आपको यहाँ पे एक USB टाइप सी डाटा केबल भी मिल जाती है जो इस 33 वोल्ट चार्जर के साथ आती है। वहीं अगर हम बात करते हैं यार फ़ोन की, तो फ़ोन के लिए चलते हैं फ़ोन के पास और इसको एक बार साइड में कर देते हैं। तो गाइज ये है आपका नोट 10S, एक बार इसे रैपर से बाहर निकाल लेते हैं, और ये रिटेल यूनिट के स्टिकर हैं जो इसके ऊपर, ये भी उतार देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं यहाँ पे हम। तो गाइज ये है Redmi का Note 10S, आप लोगों को देख सकते हो, और गाइज बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लुक के साथ आता है, वाइट कलर में है ये आपका। और पीछे की तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके Redmi की जो बैजिंग है वो भी दिखी हुई है, और ओवरऑल सेट का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। इसे एक बार ऑन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है इस फ़ोन के अंदर। तो गाइज यहाँ पे फ़ोन जो है वो आपका ऑन हो रहा है, और वहीं अगर डिज़ाइन की बात करते हैं फ़ोन की, तो बैक है जो प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक के साथ है, प्लास्टिक डिज़ाइन है, फिनिशिंग थोड़ी ग्लास टाइप में होती है, बट मैटी डिज़ाइन है, सो स्क्रैचेस वगैरह की कोई टेंशन नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेट की डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे आपको साइड में राइट हैंड साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है लॉक ऑन ऑफ के जगह साथ, और ऊपर मिल जाते हैं आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के स्विचेस। और अगर मैं बात करते हैं नीचे की तरफ, तो नीचे में आपको यहाँ पे 3.5 जैक देखने को मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे माइक मिल जाता है, उसके आपको यहाँ पे टाइप सी मिल जाती है, और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। वहीं मैं बात करते हैं ऊपर की साइड, आपको यहाँ पे IR ब्लास्टर मिलता है, साइड में आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक मिलता है, और एक आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल यानी आपका ये ड्यूल स्पीकर के साथ आता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्ट। इसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो सिम ट्रे है वो ड्यूल सिम कार्ड मिलती है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलती है, या फिर हाइब्रिड मिलती है, एक बार देख लेते हैं। इसे एक बार ओपन कर लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाती है, दो सिम और एक मेमोरी कार्ड का सपोर्ट आप यहाँ पे यूज़ देख सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पे आपका फ़ोन है जो वो ऑन हो चुका है, और ऑन होते ही गाइज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखती है, आपको यहाँ पे दिखता है MIUI 12.5, यानी कि ये Redmi की सबसे पहला फ़ोन है जो कि आपका MIUI 12.5 के ऊपर वर्किंग करता है। तो एक बार इसे ऑन करके फटाफट आगे सेटअप कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो गाइज़ फ़ोन आपका यहाँ पे ऑन हो चुका है, और वहीं बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.43 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलती है गाइज़, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डॉट नॉच का जो है यूज़ है वो रेडमी ने किया हुआ है हर बार की तरह नोट सीरीज में। और वहीं अगर हम बात करते हैं बैक की डिज़ाइन की, तो बैक में इसका जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से नोट 10 और नोट 10 प्रो नोट 10 प्रो मैक्स के जैसे ही सिमिलर डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा खास चेंजेस कंपनी ने इस बार नहीं किया है इसके बीच में। तो गाइज़ वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, वहीं पर आपको यहाँ पे फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, और 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग आपको यहाँ पे रेट मिलती है, कोई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है गाइस इसके बीच में।
तो गाइज जो फिंगरप्रिंट है इसका वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर नहीं मिलता, आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे फेस अनलॉक मिल जाता है, जो कि अभी हम दोनों आपको सेट करके दिखाएंगे कि जो फिंगरप्रिंट और जो फेस अनलॉक है वो कैसे वर्किंग करते हैं। तो गाइज फटाफट मैं फिंगरप्रिंट और जो फेस अनलॉक है वो आप लोगों के लिए सेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे फिंगरप्रिंट एक बार ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है वो कैसी है। तो फटाफट से मैं आप लोगों के लिए फिंगरप्रिंट जो है वो ऐड कर देता हूँ। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे गाइज ऐड हो चुका है। उसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे फेस अनलॉक है जो है वो भी ऐड कर देते हैं हम फटाफट, देखते हैं फेस अनलॉक कैसा है इसका। ऐड फेस डाटा, तो भाई कर देते हैं ऐड यहाँ पे फेस अनलॉक को। तो एक बार गाइज देखते हैं कि जो इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट है वो कैसे वर्किंग करता है, फास्ट वर्किंग करता है या स्लो वर्किंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगरप्रिंट से सेट करते हैं। गाइज फिंगरप्रिंट यहाँ पे बहुत ही फास्ट वर्किंग कर रहा है, जस्ट टाइप करना है, टच करना है आपने और यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा गाइज आपका। और वहीं पे गाइज अगर हम बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो गाइज फेस अनलॉक अगर ऑन करना है तो एक बार देखता हूँ मैं आपको यहाँ पे। मैंने ये जो फिर लेफ्ट हैंड साइड है इसमें अपना जो है फिंगरप्रिंट ऐड नहीं किया हुआ, तो एक बार फेस अनलॉक को देखते हैं यहाँ से। फेस अनलॉक भी बहुत ही बढ़िया है, जस्ट आपको यहाँ पे फेस अनलॉक ये करेगा और स्वाइप अप करना है, उसके बाद आपका अनलॉक ये हो जाएगा गाइज। तो गाइज आपको यहाँ पे मीडियाटेक का ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि है आपका मीडियाटेक G95 हीलियो देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वर्किंग करता है। और गाइज यहाँ पे रेडमी ने ये जो प्रोसेसर है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है G95। अदरवाइज इसके कॉम्पिटिशन ब्रांड में देखें, हम रियलमी में देखें, तो रियलमी ने अपने काफ़ी सेट्स में दिया हुआ है। रिसेंटली रियलमी ने जो 8 लॉन्च किया था आपका 4G वेरियंट, उसमें भी यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। गाइज 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, बट उसके बाद गाइज ये जो प्रोसेसर है ये गेमिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, कहीं ना कहीं 720G को भी जो है वो थोड़ा सा बीट कर जाता है अगर हम गेमिंग के मामले में बात करें गाइस यहाँ पे। और वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस आपके यहाँ पे GPU की, तो यहाँ पे आपको मालिका G76 देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पे MIUI लेटेस्ट 12.5 मिलती है, जो कि आपकी बेस है एंड्रॉयड 11 के ऊपर। गाइस यहाँ पे आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट जो है इनकी UI मिलने वाली है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे गाइस अगर मैं बात करता हूँ वेरिएंट की, तो वेरिएंट में आपको गाइस यहाँ पे 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, जो कि आपका 6GB रैम में आता है, 8GB रैम में आता है। गाइस यहाँ पे आपको 6GB 64GB देखने को मिल जाता है, जो एट प्रेजेंट मेरे हाथ में है। उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे 6GB 128 मिल जाता है, और थर्ड वेरिएंट आपको मिलता है 8GB 128GB। आपको यहाँ पे 3 वेरिएंट गाइस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग आती हैं। तो गाइज एट द एंड बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो गाइज आपको यहाँ पे बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है गाइज, आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा गाइज अगर हम वहीं बात करते हैं, आपको यहाँ पे फ्रंट में सिंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है गाइज। आपको यहाँ पे कोई ड्यूल कैमरा नहीं है, ऑलवेज की तरह रेडमी आपको यहाँ पे सिंगल कैमरा ही दे रहा है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 64 MP का मेन कैमरा मिलता है, जिसकी F value 1.8 है। उसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे 8 MP का कैमरा मिलता है, जो कि आपका 118° के अल्ट्रा वाइड छोड़ के कैप्चर करता है, जिसकी F value 2.2 है। उसके अलावा गाइज आपको यहाँ पे दो छोटे छोटे कैमरा मिल जाते हैं 2 MP, जो कि आपके माइक्रो और डेप्थ के लिए आते हैं, जिनकी F value 2.4 है। गाइज वहीं अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा, तो यहाँ पे आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसकी F value 2.5 है। कुछ F value को बढ़ाया गया है ताकि आपकी जो डे टाइम की क्वालिटी है वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। वहीं पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है बैक कैमरा की तरफ से, फ्रंट में आपको फुल HD का ही सपोर्ट मिलता है गाइस। यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल है जो मैंने इस फोन से कैप्चर किए हैं और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप लोग बताओ इस फोन में कमेंट करके नीचे कि आपको इस फोन की जो क्वालिटी है वो कैसी लगी। वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं
फ़ोन के इंप्रेशन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे मेरी ओपिनियन जो है इस फ़ोन के लिए, तो गाइज यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये आपका 15,999 की रेंज में आता है 6GB 64GB में, और वहीं गाइज ये फ़ोन आता है आपका 16,999 6GB 128GB। तो गाइज अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए 6GB रैम में, और अगर आप लोग रियलमी से इसका कंपेरिजन करते हो तो रियलमी में आपको यहाँ पे 8GB मिलता है 17,000 में, और गाइज यहीं पे ये फ़ोन आपको मिल रहा है 17,000 में 6GB 128GB। बट गाइज इसमें और उसमें आपको डिफरेंस क्या मिलता है गाइज यहाँ पे देखने के लिए, तो गाइज देखने के लिए प्रोसेसर दोनों में सेम है, आपको यहाँ पे 30 वोल्ट और 33 वोल्ट के चार्जर का फ़र्क मिलता है बस लिटिल बिट। बैटरी आपको दोनों में 5000 mAh की मिल जाती है। बट गाइज आपको वहाँ पे डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट जो है वो इन डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड देखने को मिलता है। बस गाइज इसमें आपको ये देखना है कि अगर आप रेडमी फ़ैन हो तो आप ये रेडमी का फ़ोन परचेज़ कर सकते हो, अगर आप रियलमी फ़ैन हो तो आप वहाँ पर रियलमी 8 को भी कंसिडर कर सकते हो 8GB 128GB को। बट गाइज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ़ोन की लुक की, फ़ोन का लुक बहुत अच्छा है, डिसेंट फ़ोन बनाया है कंपनी ने यहाँ पर, हर ओवरऑल उसमें आपको यहाँ पर बढ़िया मिलता है। ड्यूल स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ऑलवेज की तरह रेडमी के फोन्स में। तो ये फ़ोन अगर आप रेडमी लवर हैं तो आप ये फ़ोन कंसीडर कर सकते हैं, और यह रेडमी के फोन्स में आपको यहाँ पे 180 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल रही है जो कि आपको रियलमी में नहीं देखने को मिलती। तो यार ओवरऑल मुझे ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा क्वालिटी वाइज, डिस्प्ले क्वालिटी वाइज, तो और कैमरा फीचर के अकॉर्डिंग भी यार ये फ़ोन बहुत अच्छा है, कैमरा सैंपल आप लोगों ने देखे ही हैं। तो गाइस वहीं बात कर लेते हैं अब जो गिव अवे के बारे में। तो गाइज आप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार वीडियो में गिव अवे होने वाला है, बट गाइज आपको यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4 गिव अवे मिलने वाले हैं। तो गाइज 4 गिव अवे के लिए यार ज़बरदस्त होने वाली है वीडियो, तो यार वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता ही यार जाके। तो गाइज हमारी आप लोगों ने अगर वीवो V21 5G वर्सेस ओप्पो F19 Pro Plus की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी आके उसको देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज उसमें आपको यहाँ पे 2 गिव अवे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज 1 और सेकंड गिव अवे तो ये हो गया, और गाइज थर्ड और फोर्थ गिव अवे अनाउंस कर देते हैं कि इस वीडियो में अगर हमारे व्यूज़ हो जाते हैं 1000 तो यार हम लोग करने वाले हैं रेडमी की ईयरफोन का गिव अवे, और गाइज वहीं अगर हम हो जाते हैं 3000 व्यूज़ तो हम करने वाले हैं रेडमी नोट 10S का गिव अवे। तो गाइज रेडमी नोट 10S और रेडमी ईयरफोन के लिए यार फटाफट जाओ जाके जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो गाइज, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और गाइज इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि रिजल्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे आएंगे। तो गाइज आपको ये तीनों स्टेप जो है वो करने कंपलसरी हैं अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। फर्स्ट हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सेकंड जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, थर्ड हमारे जो इंस्टाग्राम का उसको फॉलो करना है, ट्विटर का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यार टिकटॉक ऑफिशियल अब ट्विटर पर भी आ चुका है, आप लोग उसे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हो अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हो तो। और गाइज अब बात कर लेते हैं इस फोन के गिव अवे के लिए। तो गाइज गिव अवे के लिए आपको जो क्वेश्चन है वो छोटा सा है, उसके उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। तो गाइज गिव अवे के लिए आप लोगों को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है गाइज आपको बताना है कि रेडमी ने फर्स्ट टाइम प्रोसेसर में क्या चीज़ इसमें फोन में इंट्रोड्यूस किया जो अब तक अभी रेडमी ने नहीं की थी। तो गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आपको ईजिली जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा। तो गाइज जल्दी जल्दी जाके अगर वीडियो देखी है तो क्वेश्चन का आंसर दो यार, और ग्लिम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टर्म एंड कंडीशन अच्छे से रीड कर लेना, वैलिड एंट्री काउंट होगी, इनवैलिड एंट्री काउंट नहीं होगी। और गाइज आज हम करने वाले हैं वीवो V21 के जो विनर थे उनका अनाउंस, तो गाइज जल्दी हम विनर अनाउंस करने वाले हैं, और जल्दी जल्दी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और जाके फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर दो। तो ठीक है गाइज मिलते हैं आप लोगों से अनदर वीडियो में, अनदर अनबॉक्सिंग है, तब तक गुड बाय।